यमुनानगर में शादीपुर के गुरुकुल पर बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम किया जाता है, लेकिन इन दिनों यहाँ के हालात बस से बदतर बनते जा रहे हैं। बार बार बच्चे यहाँ से भाग रहे हैं। ऐसे ही दो दिन पहले चार बच्चे गुरुकुल से भाग निकले, जिसमें से एक बच्चे को जब रेलवे पुलिस ने पकड़ा तो उसने गुरुकुल में क्या क्या होता है उसका खुलासा किया। मासूम बच्चे ने बताया कि उनसे गुरुकुल से गोबर तक उठाया जा रहा है और ना उठाने पर उनसे मारपीट की जाती है। रेलवे पुलिस ने इस मासूम बच्चे को चाइल्ड हेल्पलाइन के हवाले कर दिया। तो मेरे गुरु जी आए ना जी, मेरा जी थप्पड़ मार कर कहा हर मन में चलो तेरा कुछ नहीं हो रहा। तो एक दिन मैं पढ़ाई में कहा जी, मेरा चोट लगी थी जी, मैं पढ़ाई में आ जी, इन्होंने कहा तू खाने में गया काम करने पीछे आ जी, फिर जी गोसाड़ा में ले जा जी, गोबर ठुआ जी, गोबर भरवा बुग्गी में जी, झाड़ू मरवाई जी, मारते भी हैं। हाँ जी, वो और भी कुछ कहते हैं उनका तेजी काम करने में थाली, एक मास्टर जी का थाली दे दिन हुआ मुझे, आपसे दो थाली दे दिन हुआ, कहना तो मानते नहीं ना काम करते, काम करने पीछे हुआ अपनी। वहीं गुरुकुल के अध्यापक की माने तो यहां से बच्चों के भागने का कारण उनका दिल ना लगना है, जबकि वह बच्चों के साथ मारपीट का आरोप को बेबुनियाद बता रहे हैं। जी, इसमें तो मैं ये कहूँगा कि एक तो ये गुरुकुल की परंपरा है और हमारी जो दिनचर्या चलती है, सुबह 4:30 बजे बच्चे को उठाते हैं, 5 बजे से लेके 6 बजे तक उनको व्यायाम कराते हैं, पौना घंटा उनसे हम काम लेते हैं। जैसे अपने कमरे की सफाई कराना है, थोड़ा बहुत अपने कमरों के आगे ग्राउंड में सफाई कर दी, इस तरह का काम है। हाँ, गौशाला में का जहाँ तक काम की बात है, गौशाला में बड़े बच्चे हैं जो दूध निकलाने में हमारी मदद करते हैं। हम खुद आचार्य जी साथ में लग के, हम अध्यापक जो हैं साथ में लग के दूध निकालते हैं वहाँ पर। ऐसा है जी, नए बच्चे आते हैं, घर से आते हैं तो एकदम से माहौल के आते हैं, क्योंकि घर जैसी सुविधाएं एकदम से नहीं होता और बच्चों में ज्यादा कि जी हमें जल्दी ना होता। वहीं चाइल्ड हेल्पलाइन की निर्देशक की माने तो उनका कहना है कि उन्हें बच्चों के भागने की शिकायत मिली थी, तो आज वह बच्चों के हालात जानने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। बच्चों ने उन्हें बताया कि उनके साथ गुरुकुल में काम के पीछे मारपीट होती है, लेकिन इस बार तो वह इन लोगों को समझा कर जा रहे हैं, लेकिन आगे से ऐसी कोई शिकायत मिली तो कार्रवाई की जाएगी। अभी यहाँ आ रहे हैं वो गुरुकुल परंपरा से वाकिफ नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स ऐसे बच्चों को यहाँ लेके आ रहे हैं जिनका ओरिएंटेशन उस तरह से नहीं है, और वो क्योंकि गांव से बच्चा आता है तो वो सारा दिन गांव में घूमता है, इधर उधर जाता है, और यहाँ उसे बहुत अनुशासन में रहना पड़ता है और उस अनुशासन के साथ वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि जो यहाँ पे अध्यापक हैं वो इस बात से इनकार कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता, पर मुझे ये लगता है कि जो अनुशासन बनाने की यहाँ एक होड़ लगी हुई है कि बच्चा बिल्कुल अनुशासित रहे, उस बात के लिए ना तो माँ बाप तैयार है ना बच्चा तैयार है, और वो ये सोच के नहीं आ रहा है कि हम गुरुकुल में भेज रहे हैं, वो सोच कैसे आ रहा है कि हम किसी हॉस्टल में भेज रहे हैं और उस हॉस्टल में वो उसी तरह से ऐश करेगा जिस तरह से वो घर में करता है। यमुनानगर से आजाद टीवी न्यूज़ के लिए कुलदीप सैनी की रिपोर्ट।